अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते का सालन। तो देखते हैं रेसिपी हमको कैसी बनाना है, कोफ्ते का सालन हमको कैसा बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ली हूँ बड़े का गोश्त। इसको इस तरह से टुकड़े टुकड़ों में काट ली हूँ। इसमें चिकना चर्बी कुछ भी नहीं है। अच्छे से इसको तीन चार पानी से मैंने धो लिया और पानी को अच्छे से नितार ली हूँ। और यहाँ पर एक टुकड़ा खोपरे का ली हूँ गीला नारियल। आप चाहे तो सूखा नारियल भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ली हूँ तीन टमाटर मीडियम साइज़ के। अब गोश्त को हमको मिक्सर के जार में पीस लेना है थोड़ा थोड़ा करके। तो पहले इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। ये देखिए, गोश्त को मैंने एकदम अच्छे से इस तरह से पीस ली। गोश्त की क्वांटिटी हमको ऐसी रखना है। अब इसको एक मैं दूसरे बॉल में निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से ये भी गोश्त मैं सारा पीस लूंगी मिक्सर में। ये देखिए, दूसरी बार में भी मैंने ये सारा गोश्त इसमें पीस ली। इसको भी अच्छे से निकाल लूंगी। अब पीसे हुए गोश्त को मैं कर दूंगी साइड में। अब जो टमाटर और हमारा ये जो खोपरा है, ये दोनों को मिला के हमको अच्छे से बारीक पीस लेना है और इसका एकदम बारीक फाइन पेस्ट बना लेना है। इसमें टमाटर का पानी छूट जाएगा पीसने में, ये मसालों में, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल पानी हम लोग यूज़ करते हैं वो पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसको भी मैं अच्छे से पीस लूँगी। ये देखिए, खोपरा और टमाटर को एकदम अच्छे से बारीक पीस ली मैंने। इस तरीके से इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, एकदम बारीक पीसना है हमको, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है। तो देखिए अभी हमको करना क्या है रेसिपी में आगे। तो इसको हम लोग साइड में हटा देते हैं मिक्सर के जार को। और ये जो हमारा खीमा जो हमने बनाया मिक्सर में पीस पीस के अच्छे से बारीक करके, तो इसमें हमें क्या क्या सामान लगेगा अभी डालने के लिए, मसाले क्या क्या लगेंगे वो देखना है। पहले हम इसमें डालेंगे एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। छोटे चम्मच से लेना है हमको अदरक लहसुन का पेस्ट, इस वाले चम्मच से एक चम्मच भर के। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, छोटे चम्मच से, एकदम छोटे चम्मच से हल्दी पाउडर। गरम मसाला पाउडर, ये भी छोटे चम्मच से लेना है हमको आधा चम्मच। मटन मसाला पाउडर, ये भी आधा चम्मच ही लेना है हमको छोटे चम्मच से। तो मैं इसको इसमें फैला के लेना चम्मच में, इसके लिए थोड़ा भर के दिख रहा था लेकिन ये आधा चम्मच ही था। ये सारी चीज़ें हमको डालना है इसमें और स्वाद के हिसाब से डालना है इसमें नमक। बारीक कटी हुई कोथमीर, इसको अच्छे से बारीक काट लूँगी मैंने। इसको धोके करके रखी थी सुखा के, तो इसको एकदम बारीक काट के इसमें डालना है गोश्त के खीमे में। इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। याद रहे कि खीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे देखिए, आधी चम्मच छोटी हमको लाल मिर्ची पाउडर भी डालना है, कश्मीरी तीखा लाल है, छोटी सी चम्मच से हमको इसमें डालना है। अच्छे से फिर से एक बार इसको मिक्स कर लूँगी मैं। ये देखिए, गोश्त को मैंने एकदम अच्छे से मसाले लगा के मिक्स कर ली। अभी हमको क्या करना है ना, तेल का हाथ लेना है थोड़ा सी और इसके इस तरह से गोले बनाना है, इस तरीके से ऐसे से गोले बनाना है। पहले हाथों को तेल में अच्छे से डिप करके हाथों पे तेल लगा लेना है हथेलियों के ऊपर। ये देखिए इस तरीके से। इस तरह के हमको मीडियम साइज के गोले बनाना है। इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आना चाहिए और ना ये
बना सालन को बनाते टाइम ना ये फट जाते। देखिए हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसके गोले बनाना है। इसी तरीके से मैं ये सारे गोले बना लूँगा। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे ये इसे गोले बनाना है हमको गोल गोल। और इस तरह से एक प्लेट में निकाल के रखेंगे। माशाल्लाह कितने खूबसूरत कितने अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने लिए हुए कुकर और कुकर में मैं 3 चम्मच भर के तेल डालूंगी अभी। 1, 2 और ये 3 छोटे चम्मच से ली हूँ मैंने 3 चम्मच भर के तेल। आप अपने हिसाब से तेल कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तेल को हमको एकदम अच्छे से गर्म होने देना है। आप चाहे तो टोप में भी ये सालन बना सकते हैं। ये देखिए तेल अब हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है और हमको कोफ्तों को एकदम कच्चा पक्का इसमें फ्राई कर लेना है। एकदम कच्चा पक्का पकाना नहीं है पूरी तरीके से। इस तरह से इस तरह तेल में घुमाते हुए जितने कोफ्ते इसमें बढ़ते हैं ना उस हिसाब से इसमें डालना। बाकी के कोफ्ते में दूसरे राउंड में तल लूँगी। इसमें कच्चे पक्के तलना है हमको, ज़्यादा इसमें फ्राई नहीं करना। देखिए इस तरह हमारे कोफ्ते ज़रा भी नहीं टूटे हैं। माशाल्लाह कितने अच्छे से शेप में है अपने ही। इस तरह से हिला लें ताकि हर तरफ से कच्चे पके ये तले जाए। अब इनको निकाल दूंगी मैं साइड में, इसी प्लेट में निकालूंगी साइड में। तेल को अच्छे से निकालते हुए निकालें। देखिए माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह कितने गोल गोल हमारे कोफ्ते बन के तैयार है। मैंने इसमें कोई आटा वगैरह बेसन का आटा वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं करी हूँ। ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है इसका और बिल्कुल टूटे भी नहीं है ये। कुछ भी इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ना बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं ताकि कोफ्ते टूटे नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिना कुछ मिलाए भी इसमें इस तरह का शेप दे सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारे कोफ्ते रेडी है। अब यही तेल में मैं हमारा पीसा वाला मसाला डालूँगी। पीसे वाला मसाला था ना अपना, टमाटर का और खोपरे का जो मसाला हमने पीस के बनाए थे एकदम बारीक, यही तेल में हम जो कोफ्ते फ्राई करें ना इसी के अंदर ये सारा मसाला मैं डाल दूंगी। गैस को बारीक करना है पहले। और सारा इसमें डाल दूंगी। अब मैं यहाँ पे गैस को फिर से बड़ा कर लूँगी और ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। जितने तेल में हमने कोफ्ते को तले है ना कच्चा पक्का, उसी तेल में हम लोग ये सालन बनाएंगे। मसाले को 2-3 मिनट तक अच्छे से भुने जाने दें। ये देखिए 2-3 मिनट तक हमारा मसाला एकदम अच्छे से भुने गया। अब इसमें डालेंगे हम मिर्ची पाउडर। इसको हल्के हाथ से चला लो। अब डालेंगे गोश्त का मसाला, गोल्डी मसाला है ये।
इसको भी एक दो मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। सैलेड में मैं गरम मसाले का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कोफ्तों में गरम मसाला बहुत ज़्यादा डाली हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सैलेड में गरम मसाले का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आप चाहे तो ज़्यादा सी डाल सकते हैं अगर तेज़ खाते हैं तो। अब यहाँ पे मैंने गैस को बारीक कर दी हूँ, मसाले हमारे अच्छे से भुने जा चुके हैं। अब यहाँ पर मैं डालूँगी हमारे तले हुए कोफ्ते, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता से डाल दें इसमें और इनको भी मसालों में दो तीन मिनट के लिए अच्छे से चला लें। देखिए माशाल्लाह, हल्के हाथों से चला ले इसको भी, मसालों में अच्छे से भुने जाने दें। डायरेक्ट ही मसाले के अंदर कच्चे कोफ्ते डाल देते थे बिना तले ही, तो ये पूरे टूट के मिक्स हो जाते थे, इसके लिए इसको हल्का हल्का फ्राई करना ज़रूरी था। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। मिक्सर में जो हमने मसाला पीसे थे ना उसमें थोड़ा सी मसाला लगा हुआ था, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सी पानी डाल के इसमें डाल दी। अब इसको भी अच्छे से चला लेंगे, गैस की फ्लेम को बारीकी रखना है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं करना है। और बाजू की गैस पे मैंने रखी हूँ एक गिलास छोटी डेगची में गर्म पानी, ठंडे पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, गर्म पानी हमको सालन में डालना है वरना सालन का टेस्ट पूरा बिगड़ जाएगा अगर ठंडा पानी डालेंगे तो, सादा नॉर्मल पानी डालेंगे तो। इसके लिए गर्म पानी ही हमको इसमें डालना है, ठीक है। ये देखिए बाजू की गैस पे पानी एकदम हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और मसाले भी हमारे एकदम अच्छे से पक चुके हैं, तो ये सारा पानी मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें ले रहे हैं सालन की क्वांटिटी देख के इसमें पानी डालें। मैं दो से तीन लोगों के लिए ये सालन बना रही हूँ, आपके घर में जितने लोग हैं आप वो हिसाब से खोपरे का यूज़ करें, इसमें तेल भी कितना छूटा है इसमें। मैं उसको चख के देखती हूँ पहले इसमें नमक वगैरह सही से है क्या। नमक इसमें थोड़ा कम लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें थोड़ा सी नमक का यूज़ करूँगी, एकदम ज़रा सी डालूँगी इसमें नमक। अब मैं इसके ढक्कन लगा लूँगी कुकर का और इसके दो से तीन सीटियाँ लूँगी। और गैस को यहाँ पे बंद कर दूंगी। अब अच्छे से पहले कुकर को ठंडा होने दें, इसकी पूरी सीटी निकल जाए, उसके बाद में हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए कुकर अब हमारा एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं यहाँ का कुकर खोलने जा रही हूँ, ढक्कन खोल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा कोफ्ते का सालन तैयार है। देखिए एक भी इसमें का कोफ्ता नहीं टूटा है बिल्कुल भी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए कोफ्ते के सालन को आप रोटी के साथ, चावल के साथ, कोई भी नान के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा कोफ्ते का सालन तैयार हुआ है और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। बड़ों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को ये सालन बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें से हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी ऊपर से थोड़ा सा। माशाल्लाह ये देखिए हमारा सालन कितना अच्छा लग रहा है कोफ्ते का। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।